तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। शॉर्ट वीडियो का 8वां दिन, जितनी अपडेट्स हैं, कभी कभी लगता है कि शॉर्ट ही बना के डाल दूं दिन के एक दो, पर यार फिर याद आता है कि शॉर्ट्स में इतनी अर्निंग तो नहीं है, तो घर कैसे चलेगा मेरा। तो इसलिए कुछ भी ऐड करके लेंथ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और इतनी फालतू हरकत करने के बाद भी तुम लोग लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है राधे ठाकुर के बारे में। तो राधे कल तो रिडोमा में खेलता नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा कसाना वापस टीसी में खेल रहा था, लेकिन खबर तो ये थी कि निवेश, राजा और कुणाल के साथ फोर्थ प्लेयर कसाना है और रात के टूर्नामेंट में वापस भी आ गया था खेलने। नेक्स्ट अपडेट है वासियों की तरफ से। तो वासियों ने बताया कि क्रिश और सिडाक को पनिशमेंट मिली है। बोर्ड से भाई, उसमें क्या सोलो ग्राइंड करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है? ट्रेनिंग ग्राउंड, रैंक मैच, सीएस कस्टम 4v4। लाइक 4v4 अच्छा है अभी के टाइम पे देखा जाए तो, आपकी गन पावर बढ़ती है क्लच करने के लिए, मतलब लाइक वैसे वाली। और अगर आपको गेम सेंस बढ़ानी तो ऑब्वियसली अभी भी मैं तो बोलता हूँ सोलो वर्सेस फोर। मैं तो इनको बोलता हूँ भाई, क्रिश और सिदक को दोनों को सजा मिली हुई है कि 5 जब तक बुया करके सोलो वर्सेस कोड में नहीं दिखाओगे तब तक उनका पेमेंट अटका दिया है, करके दो तभी पेमेंट मिलेगा प्राइस पूल वाइज। भाई आलसी हो गए हैं वो लोग, इसीलिए गजब बेइज्जती है। तो मैसिव 25 प्लस पॉइंट्स का एक बफर देखने को मिल रहा है फॉर इंडियंस और बिग ब्रदर्स के बीच में। दिस शोज कंसिस्टेंसी एट इट्स पीक। बिल्कुल कंसिस्टेंसी, एज यू से कंसिस्टेंसी एट इट्स पीक, क्योंकि तीन बेहतरीन बुयाज देखिए। एक बुया हेड हंटर के नाम पे गया था, वहां पे मैं नाम भूल गया था। एक बुया गया टीएजी आर्मी के नाम, एक गया बिग ब्रदर के नाम। यहां पे अगर आप देखें एलिमिनेशन पॉइंट्स का भी कितना बड़ा फर्क है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 23 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए हमें बहुत बड़ा कैप देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट फोर हैंड्स आज कैपेबल ऑफ डूइंग इन टर्म्स ऑफ देयर एलिमिनेशन पार्ट। और वी कैन से फॉर द स्टार्ट ऑफ इवन बिग ब्रदर, इस तरह से उन्होंने एलिमिनेशन निकाले हैं। हेड हंटर से 45 पे। नेक्स्ट अपडेट है वाइपर की तरफ से। तो वाइपर ने बताया कि FF टीवी पे आ सकता है कभी। तुम्हारे हिसाब से FF टीवी में कितने साल में आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो इट इज हैपनिंग एनी टाइम सून। फ्री फायर में बात नहीं है कि वो टीवी में आ सके, BGMI में वो बात है, फ्री फायर में नहीं है। मे बी लाइक वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील में फिर भी हो जाए, इंडिया में पॉसिबल नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगली अपडेट है कौशिक के बारे में। तो जिस जिसको T1 खेलना है जाके कौशिक की जगह खेल लो भाई। टीम में जगह? हाँ भाई, मेरी जगह खेल लो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।